एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये देखिए मैंने होम डेकोर के लिए DIY क्राफ्ट किया है, जिसमें मैंने बनाया है फोटो फ्रेम आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से। आप देख सकते हैं काफी सुंदर लग रहा है, इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बना है। इसके लिए हमें चाहिए पॉप स्टिक या फिर आइसक्रीम स्टिक्स, कार्डबोर्ड, ग्लिटर, ब्लैक स्प्रे। साथ ही इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पॉलीफिक्स कॉम्बो किट का, जिसमें पॉलीफिक्स जेल ग्लू एंड पॉलीफिक्स स्प्रे एक्टिवेटर आते हैं। यहाँ मैंने इसको 20 ग्राम में लिया है। इसमें और भी काफ़ी सारे साइजेस आते हैं, ये इजीली आपको फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर मिल जाएंगे। ये क्राफ्ट के लिए मुझे काफ़ी बेस्ट लगता है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरीके के शेप ले लेंगे, या आप बना सकते हैं या फिर प्रिंट निकलवा सकते हैं। अब हम इस पर आइसक्रीम स्टिक को चिपकाते चले जाएंगे। पॉप स्टिक को चिपकाने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पॉलीफिक जेल ग्लू का। ये अदर ग्लू से काफ़ी गाढ़ा होता है और इस चीज़ों को काफ़ी स्ट्रॉन्गली और अच्छे से पेस्ट करता है। साथ ही साथ स्प्रे एक्टिवेटर को स्प्रे करेंगे। ये ग्लू को इंस्टेंट ड्राई करने में हेल्प करता है, ये कोई ग्लू नहीं होता है, ये ग्लू को फास्टेस्ट ड्राई करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से हम पॉप स्टिक को चिपकाते चले जाएंगे। ये देखिए अब हम इसे थोड़ा थोड़ा साइडों से कट कर लेंगे। अब हम इसके अकॉर्डिंग कार्डबोर्ड को कट करेंगे सर्कल में। अब हम इन दोनों को कलर कर लेंगे। ये देखिए ये कलर हो चुका है, साथ ही साथ ये ड्राई भी हो चुका है। अब हम सर्कल को यहाँ पर सेट करके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर पेस्ट करने के लिए हम अच्छे से ग्लू का यूज़ करेंगे। साथ ही साथ ग्लू को जल्दी ड्राई करने के लिए हम स्प्रे एक्टिवेटर को स्प्रे करेंगे। अब हम इस पर फोटो लगा सकते हैं या फिर आप मिरर भी लगा सकते हैं। इस पर दोनों ही अच्छे लगेंगे, जो भी आपको ठीक लगे। ये देखिए अब हम इसके यहाँ यहाँ साइडों में ग्लिटर लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा हम ग्लू लगाएंगे, उसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे और हम इस पर ग्लिटर लगा देंगे। ये देखिए अब हम यहाँ पर छोटे छोटे मिरर्स को इस पर पेस्ट करते चले जाएंगे। ये देखिए हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसके बैक साइड हैंग करने के लिए कुछ भी हैंगिंग हुक लगा देंगे। देखते हैं काफी सुंदर लग रहा है, आप इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं। देखिए हमारा फोटो फ्रेम बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। आप इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं, काफी सुंदर लगेगा ये। इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके की और भी वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।